देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कोटेशन। तो सबसे पहली बात आती है कोटेशन क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कोटेशन एक तरह का बिल्कुल फॉर्म होता है या सेल का बिल ही होता है, बट उसमें क्या होता है, वो आपका काम प्रॉपर नहीं करता। खाली आप उसको देते हैं कि हम आप अगर आप मुझसे माल खरीदोगे तो आपको इस नंबर का, इस अमाउंट का या इस रेट का आपको बिल मिलेगा, वो आपका क्या कहलाता है, कोटेशन कहलाता है। उस कोटेशन क्या होता है, जैसे आप किसी कस्टमर के पास गए या किसी दुकान पे गए, आपने कहा कि भाई मुझे 32 इंच का LCD चाहिए, कितने का पड़ेगा? उसने बोला 52,000 रुपये का है। आप फिर दूसरी दुकान पे गए, आपने उससे पूछा, उसने बताया 53,000 रुपये का है। तो फिर आपने पहले वाली दुकान पर आया कि आप सर अपनी वो दे दो, सेल का बिल दे दो, मैं अभी आपसे थोड़ी देर में आके ले लूँगा। तो वो क्या करेगा, आपको कोटेशन देगा। कोटेशन में क्या लिखा होगा कि क्या रेट है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या साइज़ है, कौन सी कंपनी का है, वो सारा किसके अंदर होता है, कोटेशन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है आपका, कोटेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो वही कोटेशन कहता है, बिल्कुल सेल कितना ही परफॉर्म करता है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो बिल्कुल सेल नहीं होता, मतलब वो आपके किसी के वाउचर में इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोटेशन है। तो अनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, ठीक है, इन्वेंट्री में जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, अनेबल कोटेशन, सेल कोटेशन या परचेज कोटेशन, ठीक है। एंड ओके, इसको देखिए क्या कह रहा है, ऑटो एडजस्ट कोटेशन रेफरेंस। मैंने कहा बिल्कुल ऑटो करना है, देन यहाँ पर सेव करेंगे। अब इसको अनेबल करते ही बेनिफिट क्या हुआ, आपके दो टॉपिक आ गए, एक आ गया सेल कोटेशन, एक आ गया परचेज कोटेशन। अगर आप किसी से माल खरीदोगे सबसे पहले क्या लोगे, उससे कोटेशन लेंगे कि सर आप जो माल दे रहे हो उसके अंदर आपकी क्या डिस्क्रिप्शन है आइटम की, वो मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप क्या करोगे, कोटेशन के अंदर जाके काम करोगे। दूसरा, अगर हमें किसी को बिल देंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एक कोटेशन देंगे, फिर वो अगर एग्री होगा तब हमसे माल लेगा। देखिए मैंने एक कोटेशन दी यहाँ पर, मैंने बोला 1 तारीख को मेरे पास एक पार्टी आई है, मैंने एग्जाम डाल रहा हूँ, कोई टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर रहा, उस पार्टी का यहाँ से मैं नाम डाल रहा हूँ जो पार्टी मुझसे यहाँ पर माल खरीदने आई है। और यहाँ पर डेटा डाल के मैंने सेव कर दिया, बाकी आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी फिल करना। तो मैंने बोला ये मुझसे, ठीक है, LCD, ठीक है, HP कंपनी, ठीक है, एंड देन NOS में डालेंगे, क्यों डालेंगे NOS में, क्योंकि नंबर ऑफ सिस्टम है। देन एक पीस की कीमत है 32,000 रुपये, ठीक है, और मुझे 31,500 की पड़ती है। देन F2 करके मैंने इसको फटाफट सेव करा। क्या जो आप माल बेचोगे कहाँ से बेचोगे, मैंने बोला आज़ाद मार्केट वाले गोडाउन से बेचूंगा। उसके बाद कह रहा है कि इस आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या है, कि जो आप LCD मुझे दोगे उसके बारे में क्या डालना है। तो भी आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको डाल सकते हो, कि HD क्वालिटी का है, ठीक है, 4 GB RAM है, आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो जो फैसिलिटी आप डालनी है आप इसके अंदर डाल के F2 करके आप फटाफट इसको सेव कर दे। तो मैंने एक बिल करा और F2 करके मैंने इसको सेव कर दिया। देखिए मेरा ये सेव हो गया। उसके बाद कल तुम नहीं आए थे ना, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, उसने भी मुझसे माल ले गया, ठीक है, एक ये माल ले गया, एक पार्टी मेरे पास और आई, ठीक है, मैं बिजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड डालता हूँ, ये मेरे पास वही आइटम खरीदने आए, नमस्ते। मैंने यहाँ पर उस आइटम को सिलेक्ट करा और मैंने इसको भी वही डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है, और मैंने फटाफट इसको सेव कर दिया, हो गया सेव। अब इसके बाद मेरे पास एक पार्टी ने आके कहा कि सर वो जो मुझसे वीनस वाला माल लेके, उसने कहा कि सर मुझे सेल का बिल दे दो आप। पहले तो मुझसे क्या लेके गया था, कोटेशन लेके गया, कोटेशन लेके गया तो देखो मेरे स्टॉक में ना ही वीनस के अकाउंट में कोई बैलेंस आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने खाली उसको एक बिल दिया था, वो हमारा सेल बिल नहीं था, एक तरह का परफॉर्मर था कि हमने उसको इशू करा था। बट उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पर जाके एक सेल का बिल काटूँ उसी का, मैं तारीख बोली कि वो मेरे पास 20 दिन बाद आया कि सर मुझे आप वो बिल दे दीजिए, मैंने उस पार्टी का नाम डाला यहाँ पर वीनस, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर F11 करा। जैसे ही मैंने F11 करा, जो मेरी कोटेशन थी वो कोटेशन पूरी आ गई, एंड देन फिर इसको F2 करके हम ओपन कर देंगे, ठीक है। और इसको करने से बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि जो मेरी डिस्क्रिप्शन थी वो मेरी सारी चीज़ इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। हाँ ठीक है, कभी कभी कस्टमर कहता है नहीं चाहिए, अगर हम सेल में एंट्री कर देंगे तो फिर हमें बार बार डिलीट करना पड़ता है, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, उसे सेल कितना एक कोटेशन देते हैं कि आप ये वाउचर ले लीजिए, ठीक है, अगर आप एग्री हो गए या आपको पसंद आता है हमसे लेना, फिर आप आके यहाँ पर कर सकते। हाँ
डिस्क्रिप्शन पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, कोटेशन कहलाती है। अगर किसी ने आपसे कहा कि हाँ मुझे कोटेशन की डिटेल बताओ कि आपसे कौन कौन कोटेशन लेके गए हैं, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, डिस्प्ले के अंदर आओगे, कहाँ पर कोटेशन प्रोसेस के अंदर जाएंगे, देन पेंडिंग कोटेशन किस किस की कॉन्डी बाकी है आइटम वाइज या पार्टी वाइज, तो पार्टी वाइज के अंदर आएंगे, वन अकाउंट ऑल आइटम, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, किसकी बाकी है हमारे पास कोटेशन, इसकी नहीं पेंडिंग है, किसकी भी पेंडिंग थी, बिजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की हमारे पास पेंडिंग है। देखिए यहाँ पर बता देगा कि हमारे पास ये पार्टी आई थी जो अभी हमारे पास दोबारा रिटर्न नहीं हुई है, ये हमने सेल कोटेशन है, मतलब हमने उसको एक बिल काट के दिया था, ठीक है, वो हमसे कोटेशन तो ले गया लेकिन हमसे माल खरीदने अभी तक नहीं आया, तो ये आपकी क्या कहलाती है, कोटेशन कहलाती है। एक चीज़ याद रखना, कोटेशन आपके स्टॉक में कोई भी इफेक्ट नहीं करती है, खाली एज अ सेल बिल देने की तरह होता है, खाली आप उसको दे लगता है पूरा सेल का बिल ही होता है, बट वो ना ही आपके पार्टी के बैलेंस में इफेक्ट करेगा और ना ही आपकी क्वांटिटी पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, कोटेशन कोई दिक्कत है इसमें।